आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आप बी सी पॉइंट लेना चाहते हैं या मिनी बैंक ओपन करना चाहती है किसी भी कंपनी के थ्रू या सी एस सी के थ्रू या किसी भी अदर कंपनी के थ्रू, अगर आप मिनी ब्रांच सी एस पी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा और उस एग्ज़ाम को पास करके आपको एक सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। जब तक वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप एक बी सी पॉइंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करते हैं, पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF की इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा और आप जो सेंटर सेलेक्ट करेंगे उस सेंटर पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक CSC सेंटर होना चाहिए, क्योंकि आप जो पेमेंट करेंगे वो CSC वॉलेट से ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नाम का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे जिसका IIBF एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद उसका पूरा एड्रेस देंगे, यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देंगे, सिटी देंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड देंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा। पहले डे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह आपको यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट PG। तो अगर अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, मतलब HSC या HSC, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना एक फ़ोन नंबर देंगे, उस है तो दे सकते, नहीं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर देंगे और यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसकी KB होनी चाहिए, 20 KB से कम उसकी साइज़ होना चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे उसकी भी साइज़ 20 KB से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा, आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासवर्ड दे सकते हैं। चलिए पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देंगे, और पैन कार्ड को सिलेक्ट किए उसी को यहाँ पर अपलोड करेंगे, आईडी प्रूफ उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे आईडी प्रूफ में, जो इस फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आईडी प्रूफ अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पीरियड आ जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि एग्ज़ाम तो देंगे वो किस मीडियम में देंगे, हिंदी अंग्रेज़ी जिसमें देंगे वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना, जो भी आप जिस सेंटर में आप देना चाहते हो एग्ज़ाम उस सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का पहला नाम अक्षर प्रेस करेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसके बाद स्टेट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केंद्र जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कराते हैं IIBF का, वो सारे लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। किसी भी एक केंद्र को सिलेक्ट करेंगे जिसमें जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी सेंटर सिलेक्ट करेंगे, सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डेट अवेलेबल होगा उसमें से डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट करेंगे। इस डेट को कितने तीन टाइम दिए गए, किसी भी एक टाइम में आप अपने एग्ज़ाम किसी भी टाइम आप एग्ज़ाम दे सकते, एग्ज़ाम को सेलेक्ट करेंगे, टाइम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस डेट को इतना बजे कितने सीट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर कोड आपको दिखने को मिलेगा, उसके बाद नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन देंगे, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे, प्रोसीड एंड उसके बाद प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तक आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट करके कह रहा है कि आपने फ़ोटो सिग्नेचर क्लियर अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो डिटेल जो आपने भरा है वो सारे यहाँ पे शो करें, अगर आपको लगे इसमें कुछ गलत है यहाँ से मॉडिफाई करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मेरी ये पूरी डिटेल सही है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा CSC लॉगिन करने के लिए CSC से आपको पेमेंट कटाना होगा, यहाँ पर CSC का आईडी देंगे और CSC का पासवर्ड देंगे, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह आपको मांगेगा एग्री करने के लिए, यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे पेन ओ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा और यहाँ से अपना CSC का जो आपका CSC का पासवर्ड है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते कितने रुपये आपको चार्ज कट रहे हैं, यहाँ पर टोटल आपको 956 रुपये चार्ज कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पासवर्ड है आपका CSC का वो देंगे, पासवर्ड देने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको वॉलेट पिन पे देना होगा, जो भी आपका वॉलेट पिन देंगे, वॉलेट पिन देने के बाद यहाँ पे पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आगे पीछे, सिंपली से इसको छोड़ देते हैं, ये खुद ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे क्लोज वगैरह करते हो तो आपका ये पेमेंट फंस सकता है। उसके बाद कुछ इस तरह थैंक्स फॉर यूजिंग IIBF ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाते हैं, आपके पासवर्ड दिए जाते हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाता है जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह आएगा, यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारा डैशबोर्ड है, हमारा ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम डाउनलोड एडमिट कार्ड लेटर पर क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड लेटर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज और डेट समय और आपका कितनी सीट है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको सेंटर का पूरा पता दिया रहता है, जो भी आपका उसका नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम का पासवर्ड भी दिया जाता है, यह आपका एडमिट कार्ड, इस एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट कर, इस एडमिट कार्ड को लेकर आपका ये एडमिट कार्ड और आपके आईडी प्रूफ के साथ आपको टाइम से आधा घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना होगा, जहां आपको 100 मार्क का एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 50 मार्क पे पास कर दिया जाएगा। 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको कम से कम 50 मार्क लाना होगा पास होने के लिए। तो यही था पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के लिए, जब एग्ज़ाम आप पास कर जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट बाय पोस्ट भी मिल जाएगा या आप और आपको मेल पे भी भेज दिया जाता है। साथ साथ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल ज़रूर ले जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में आपने पूरा IIBF एग्ज़ाम सर्टिफिकेट पाने के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सके हैं कर चुके उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।